बेस्ट लैपटॉप इन 2021। तो यार अगर आप 2021 में लैपटॉप लेना चाहते हो, बेस्ट लैपटॉप लेना चाहते हो, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप और मत करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना कह देना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 90,000 से लेके, अगर आपका बजट 2 लाख है जो हम इस बजट रेंज की बात करेंगे, एंड अगर आपका बजट यार 90,000 से कम है, उस बजट रेंज में आप बेस्ट लैपटॉप लेना चाहते हो 2021 में, उसकी वीडियो मैंने पहले ही की है, मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसको चार्ट करना आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। अभी करते हैं, अगर आपको बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 हो जाता है, इस बजट रेंज में आपको बेस्ट लैपटॉप कौन से मिलते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो यार अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 हो जाता है, इस बजट रेंज में आपको 3 लैपटॉप देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा लोडेड है। मैं बात कर रहा हूं HP Omen की, एंड मैं बात कर रहा हूं Asus ROG Strix की, एंड मैं बात कर रहा हूं Asus ROG Zephyrus G14 की। ये तीनों लैपटॉप आपको बहुत तगड़े मिल जाते हैं इन 2021 में। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि HP Omen का नया वर्जन लॉन्च होने वाला है। एंड भाई मैं अगर बात करूँ Asus ROG Strix की, इसके भी आपको नए वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं 2021 में, जो कि लॉन्च हो जाएंगे मार्च या अप्रैल के मंथ में। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो 2 महीने आप वेट कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ Asus ROG Zephyrus G14 की, इसके भी आपको नए वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको Ryzen 9 प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेंगे। एंड ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको 3000 सीरीज के साथ देखने को मिलेंगे। तो आपको 8GB ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा, तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, प्लस ये 16GB रैम के साथ आपको देखने को मिलने वाले। तो भाई अगर आपने लैपटॉप को लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, सिर्फ आप 3 से 4 महीने जो है वो वेट कर लो। ये तीनों लैपटॉप बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। अगर आपने लाइक वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है उसके साथ साथ, तो यार अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, गेमिंग लाइव स्ट्रीम करनी है, आप सभी के लिए ये तीनों लैपटॉप जो है वो परफेक्ट डील होने वाले हैं। अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 है, इस बजट रेंज में आपको बहुत तगड़े मिल जाएंगे। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 लेकर 1.5 लाख अगर आपका बजट है, इस बजट रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 1 लाख से लेके 1,15,000 हो जाता है, इस बजट रेंज में मैं आपको 5 लैपटॉप बताऊंगा जो कि सच में बहुत तगड़े होने वाले हैं। बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर यार मैंने रखा है Acer Predator को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, ये 16GB रैम के साथ मिलता है, आपको RTX ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, 144 रिफ्रेशर के साथ इसकी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपने 4K वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, जब कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, ये लैपटॉप भी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 पर रखा है Asus TUF Gaming A15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, आपको 144 रिफ्रेशर देखने को मिल जाएगा इस लैपटॉप में। उसके बाद करें बात हम ग्राफिक कार्ड की, आपको RTX ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, 16GB रैम मिल जाएगी, एंड भाई आपको Ryzen 7 भी देखने को मिल जाएगा। तो यार अगर आपने भी इस पे भी गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, आप इजिली नॉर्मली कर सकते हो। प्लस इसके बजट रेंज की बात करूं, आपको 1,20,000 से भी कम प्राइस रेंज में Asus TUF Gaming A15 देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर यार मैंने रखा है Microsoft Surface Book 3 को। यार अगर आपको 2-in-1 लैपटॉप चाहिए, या अगर आपको एक क्लासिक डिज़ाइन चाहिए, ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है, अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा सही लैपटॉप। आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 32GB रैम तक भी मिल जाएगी, प्लस आपको i5 भी मिल जाएगा, i7 भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपने i7 की ओर जाना, आपको 11th जनरेशन तक भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत तगड़ा होने वाला है। उसके ऊपर तो कोई प्रोसेसर ही नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखा है Asus ZenBook Duo को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, तो यार ये लैपटॉप में आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सेकंड डिस्प्ले आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, आपको 32GB रैम तक देखने को मिल जाती है, जो कि आप 64GB रैम तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। इसके ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको RTX ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, प्लस इसमें आपको मतलब इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, इसका डिज़ाइन है, वो भी बहुत अपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर यार मैंने रखी है HP Spectre X360। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले ये टच स्क्रीन है, 4K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, प्लस ये 360 डिग्री पूरा ओपन हो जाता है, बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स के लिए, बेस्ट ऑफ डेवलपर्स के लिए। ठीक है, तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए। तो भाई अगर आपका बजट 1 लाख से लेके, अगर आपका बजट 1,15,000 हो जाता है, इस बजट रेंज में आप 5 लैपटॉप में से कोई भी लैपटॉप
लैपटॉप पर ले सकते हो, बहुत तगड़े होने वाले। अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, उसके बाद अगर आप ऑफिस वर्क के लिए लेना चाहते हो, गेमिंग के लिए लेना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग के लिए लेना चाहते हो, कोई भी आपका काम है, इनमें से कोई भी आप लैपटॉप पर ले सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है, इस बजट रेंज की बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है, इस बजट रेंज में भी मैं आपको 5-6 लैपटॉप बता सकता हूँ। मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, मैं उनके नाम बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर यार मैंने रखा है रेजर ब्लेड 15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, बेस्ट है फॉर लाइव स्ट्रीम के लिए, गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आपके लिए। आपको 4K डिस्प्ले भी मिल जाएगी, आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले भी मिल जाएगा, आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको GTX ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको RTX ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर यार मैंने रखा MSI GE66 रेडार को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, ये लैपटॉप भी आपको बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। एक बार आप इसको चेकआउट कर लेना, आपको बहुत पसंद आने वाला। RGB लाइटिंग के साथ आता है। इसमें भी आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 4GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, फुल HD प्लस डिस्प्ले भी मिल जाती है, 4K डिस्प्ले तक भी देखने को मिल जाती है। डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है। स्पेसिफिकेशन में आपको बताता तक दूंगा, एंड इसके स्पेसिफिकेशन खत्म जो है वो खत्म नहीं होने वाले, बिकॉज इसके जो स्पेसिफिकेशन आपको सच में बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर यार मैंने रखी है डेल एलियन वेयर को। अगर इस लैपटॉप की बात करो, इसकी डिज़ाइन, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है, एंड RGB लाइटिंग के साथ ये भी आपको देखने को मिलती है, RTX ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। उसके बाद भाई अगर इसके मैं बात करूँ स्पेसिफिकेशन की, तो आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 32GB रैम तक भी देखने को मिल जाएगी। तो आप देख लेना, जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी आपके बजट में सेट बैठती है, आप उसकी ओर जा सकते हो। नंबर 2 एंड नंबर 1 की बात करूँ, नंबर 2 एंड नंबर 1 पर यार मैंने रखी है एप्पल मैकबुक प्रो एंड एप्पल मैकबुक 13। तो यार M1 चिपसेट के साथ देखने को मिलेगी इन 2021 में, जो कि बहुत तगड़ा एप्पल की ओर से ही आता है। तो भाई अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, आप एप्पल की ओर जा सकते हो, एंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी होती है। अब अगर आपने कलर ग्रेडिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, जब कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है, बट गेमिंग के लिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा। तो यार अभी मैंने आपको 5-6 लैपटॉप बता दिया, आपको 3 लैपटॉप बताए फॉर गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, 4K वीडियो एडिटिंग के लिए, या लाइव स्ट्रीम के लिए, एंड भाई मैंने आपको 2 लैपटॉप बताए एप्पल की ओर से, जो कि M1 चिपसेट के साथ देखने को मिलते हैं, बहुत तगड़ी होने वाली है। इन 2021 में आपको बहुत लैपटॉप मिलने वाले हैं। मैं आपको इन फ्यूचर भी बताता रहूँगा, जो भी मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए जो कि 2021 में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले एंड बहुत ज़्यादा बिकने वाले वो लैपटॉप है। आप ले सकते हैं इनमें से कोई भी, आपने अगर आपने कोई भी लेना आप ले सकते हो। सभी के बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आपको चेकआउट करने हैं, चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने परचेज करना है तो भी आप परचेज भी कर सकते हो। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 110,000 है ना, उस बजट रेंज में ASUS ROG Zephyrus G14 की और अगर आप जाना चाहते हो, या ASUS ROG Strix की और जाना चाहते हो, आप वेट कर लेना जून जुलाई मंथ का। तो यार उस बजट रेंज में तब तक आपको मिल जाएंगे वो लैपटॉप, जो कि आपको Ryzen 9 के साथ देखने को मिलेंगे, 3000 सीरीज ग्राफिक कार्ड में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि लॉन्च हो जाएगा जून एंड जुलाई में। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेजना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेजना, उनको भी कहते कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, करें इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा उसको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के साथ। थैंक यू।